बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो गए हैं। विमल बोलो जुबा केसरी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। बता दें कि अक्षय कुमार अपने फिटनेस और बैक टू बैक फिल्म देने को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं, लेकिन अक्षय इस बार पान मसाला एड्स को लेकर ऐसे ट्रोल हुए कि फैंस के सामने आकर माफी मांगना पड़ा। तो चलिए जानते हैं अक्षय कुमार ने माफीनामे में क्या कहा। मैंने तय किया है कि मैं इससे मिले पैसे को एक अच्छे कार्य में लगाऊंगा। हालांकि विमल कंपनी तब तक मुझे अपने विज्ञापन में दिखाती रहेगी जब तक कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट का लीगल टाइम पूरा नहीं हो जाता है, लेकिन मैं आप सबसे वादा करता हूं कि मैं भविष्य में सोच समझ कर ही अपने लिए विज्ञापन चुनूंगा। इसके बदले में मैं हमेशा आप सभी से आपका प्यार और शुभकामनाएं चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि अक्षय पहली बार किसी नशे को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन कर रहे हैं। इससे पहले भी अक्षय रेड एंड व्हाइट नाम के एक सिगरेट के विज्ञापन में नजर आ चुके हैं, लेकिन अब अक्षय कुमार ने सरकार के नो स्मोकिंग विज्ञापन में नजर आते हैं। जगह जगह अच्छी सेहत को बढ़ावा देते दिखे हैं। अक्षय खुद भी अपनी निजी जिंदगी को किसी भी प्रकार के नशे से दूर रखते हैं। ज्योतिषी भगवान नहीं होते, लेकिन उनके पास समाधान होता है संकटों का, समस्याओं का। वो ग्रह, नक्षत्र और दशा देखकर आपको सही दिशा दिखाते हैं, आपको व्याधि और विपत्तियों से बचाते हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, किससे लाभ है, किससे हानि, ज्योतिषी समय पर आपको सावधान करते हैं। वो आपके सितारों की चाल समझते हैं और उनके अनुसार आपका भाग्य संवारते हैं। तो अब रोज होगा द न्यूज 15 पर आपका भाग्योदय मेरे यानी प्रीतिका मजूमदार के साथ। भाग्योदय रोज सुबह द न्यूज 15 पर।